Hello dear students, here we are going to discuss exercise part of chapter 7, house and clothing. So first exercise is that let's remember. So in this question you have circled the odd one out, means नीचे जो दिया गया है उसमें आपको जो ओड है मीन्स अलग है उसको हमें सर्कल करना है. तो फर्स्ट देखते हैं ब्रिक्स, सीमेंट एंड वूल. तो इसमें से अलग कौन सा है? वूल. क्यों अलग है? क्योंकि ब्रिक्स और सीमेंट है वो किस में यूज होता है? पक्का हाउस बनाने में यूज होता है. और वूल में से तो क्या बनता है? क्लॉथ बनता है. इसलिए ये तीनों में से अलग है वूल. देन सेकंड माउंटेन्स, स्लोपिंग रूफ एंड प्लेन्स. तो ये तीनों में से ओड है प्लेन्स. क्यों प्लेन्स ओड है? क्योंकि माउंटेन्स है वो एक प्लेस है और उसके ऊपर जो हाउस होते हैं उसके रूफ स्लोपिंग होते हैं. तो माउंटेन्स और स्लोपिंग रूफ वो दोनों सेम है और प्लेन्स है वो अलग है. देन थर्ड वन है हाउस बोट, सीमेंट एंड कच्चा हाउस. तो ये तीनों में से अलग है सीमेंट. क्यों? क्योंकि हाउस बोट और कच्चा हाउस दोनों हाउस के टाइप है और सीमेंट है वो क्या है? मटेरियल है. तो हाउस बोट और कच्चा हाउस दोनों हाउस है और सीमेंट है वो मटेरियल है, इसलिए सीमेंट अलग है. तो हमें सीमेंट पे सर्कल करना है. देन फोर्थ टेंट, कारवेन एंड बंगलो. तो ये तीनों में से कौन सा ओड है? तो वो है बंगलो. क्यों? क्योंकि टेंट एंड कारवेन है वो टेम्पररी हाउस है और बंगलो है वो परमानेंट हाउस है, इसलिए बंगलो है वो ओड है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फिल इन द ब्लैंक्स. उसमें फर्स्ट है हाउसेस इन द प्लेन्स हैव डैश रूफ फ्लैट या स्लोपिंग. तो जहाँ प्लेन्स में हाउस होते हैं उसके रूफ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं या स्लोपिंग होते हैं? तो जहाँ प्लेन्स में हाउस होते हैं उसके रूफ फ्लैट होते हैं. सो आंसर विल बी दैट फ्लैट रूफ्स. देन सेकंड वन इज दैट हाउसेस ऑन द माउंटेन्स हैव डैश रूफ मीन्स माउंटेन्स में जो हाउस होते हैं उसके रूफ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं या स्लोपिंग? तो माउंटेन्स में जो हाउस होते हैं उसके रूफ होते हैं स्लोपिंग. सो आंसर विल बी दैट स्लोपिंग. क्योंकि जहाँ माउंटेन एरिया होता है वहाँ क्या होता है? ज्यादा बर्फ गिरता है, स्नो गिरता है. तो स्लोपिंग रूफ होता है तो वो इजीली बर्फ है, स्नो है वो नीचे गिर जाता है, इसलिए स्लोपिंग रूफ होते हैं. देन थर्ड पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर इट डैश अ लॉट मेक हाउसेस ऑन डैश मीन्स पीपल ऐसे प्लेस में रहते हैं जहाँ ज्यादा क्या होता है? बारिश होती है. तो आंसर आएगा रेन्स. देन मेक हाउसेस ऑन मीन्स जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां कैसे हाउस बनाते हैं? तो वहां बनाते हैं स्टिल्ट हाउस. तो आंसर आएगा स्टिल्ट्स. तो ब्लैंक्स ऐसी रहेगी पीपल लिविंग इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक हाउसेस ऑन स्टिल्ट मीन्स जहाँ ज्यादा बारिश होती है ऐसे प्लेस में लोग स्टिल्ट के ऊपर हाउस बनाते हैं. देन फोर्थ हाउसेस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हाउस बोट या इग्लू मीन्स आइस के ब्लॉक में से जो हाउस बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इग्लूज. सो आंसर विल बी दैट इग्लूज. देन फिफ्थ हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड टेम्पररी या परमानेंट हाउसेस मीन्स ऐसे हाउस जिसको हम एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं. तो ऐसे हाउस को हम बोलेंगे टेम्पररी हाउस. सो आंसर विल बी दैट टेम्पररी. देन नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग मीन्स नीचे जो पिक्चर दिया गया है वो पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसके नेम लिखने हैं. तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ब्लॉक्स ऑफ आइस में से हाउस बना हुआ है मीन्स आइस के ब्लॉक्स में से हाउस बना हुआ है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इग्लू. तो फर्स्ट पिक्चर है इग्लू. देन सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है? बोट के ऊपर हाउस है. तो जो बोट के ऊपर हाउस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट. तो सेकंड पिक्चर में आएगा हाउस बोट. देन थर्ड उसमें क्या दिख रहा है? हाउस दिख रहा है बट उसके क्या है? व्हील्स है. तो व्हील्स के ऊपर जो हाउस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
कारवेन, तो थर्ड पिक्चर में आएगा कारवेन। देन फोर्थ क्या दिख रहा है, ठीक क्लोथ्स में से हाउस बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंट, तो फोर्थ पिक्चर में आएगा टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है और उसके आंसर के लिए सही ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट है, व्हाट डज अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, मीन्स हाउस हमें किससे बचाता है, हीट एंड कोल्ड से, विंड से, या रेन से, या ये सब से। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि हाउस हमें गर्मी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, ज्यादा बारिश से बचाता है और हवा से भी बचाता है। सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। देन सेकंड, विच ऑफ दिस मटेरियल्स डू वी यूज टू मेक अ पक्का हाउस, नीचे जो ऑप्शन में मटेरियल्स दिए गए हैं उसमें से पक्का हाउस बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ए सीमेंट एंड ब्रिक्स, बी मड एंड स्ट्रॉ, सी क्लॉथ एंड प्लास्टिक सीट, या ऑल ऑफ दिस। तो हमें पक्का हाउस बनाने के लिए क्या जरूरी है, सीमेंट एंड ब्रिक्स। देन थर्ड, विच ऑफ दिस रूप्स विल हेल्प टू स्लाइड ऑफ स्नो इजिली, मीन्स नीचे जो ऑप्शन में रूफ दिए गए हैं अलग अलग, उसमें से स्नो को नीचे इजिली स्लाइड ऑफ करना है, तो उसमें से कौन सा रूफ हमें हेल्प करता है, फ्लैट रूफ, हाई रूफ, स्लोपिंग रूफ, या नन ऑफ दिस। तो इजिली स्नो को स्लाइड ऑफ करने के लिए रूफ हमें कौन सा हेल्प करता है, स्लोपिंग रूफ, क्योंकि वो दोनों तरफ झुका हुआ होता है, इसलिए दोनों साइड से स्नो है वो इजिली गिर जाता है। सो आंसर आएगा स्लोपिंग रूफ। देन फोर्थ, हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड, आइस के ब्लॉक्स में से जो हाउस बना हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इग्लू, हट, स्टिल्ट हाउस, या टेंट। तो आपको पता ही है जो आइस में से बनता है वो हाउस को हम क्या बोलते हैं, इग्लू। सो आंसर आएगा ए ऑप्शन, इग्लू। देन फिफ्थ, विच ऑफ दिस हाउसेस शुड वी मेक इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, मीन्स जहाँ ज्यादा बारिश होती है ऐसे प्लेस में हमें कैसा हाउस बनाना चाहिए, इग्लू बनाना चाहिए, हट बनानी चाहिए, स्टिल्ट हाउसेस बनाने चाहिए, या टेंट बनाने चाहिए। तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां कैसे हाउस बनाने चाहिए, स्टिल्ट हाउस, क्योंकि वहां पानी ज्यादा होता है, इसलिए जो स्टिल्ट के ऊपर हाउस होता है तो पानी हाउस में नहीं आता है, इसलिए हमें स्टिल्ट हाउस बनाना चाहिए। देन सिक्स, अ कार्वेन इज अ, कार्वेन है वो कैसा हाउस है, ए ऑप्शन हाउस ऑन व्हील्स, बी ऑप्शन टेम्पररी हाउस, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो कार्वेन है वो कैसा हाउस है, वो व्हील्स के ऊपर का हाउस है, तो ए ऑप्शन आएगा हाउस ऑन व्हील्स, एंड ऑल्सो अ टेम्पररी हाउस, कार्वेन है वो टेम्पररी हाउस भी है, क्यों, क्योंकि उसको हमें जहाँ भी ले जाना है उसको हम ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो टेम्पररी हाउस भी है। सो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, हाउस ऑन व्हील्स एंड ऑल्सो टेम्पररी हाउस। सेवन, विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट द क्लोथ्स वी वेयर, मीन्स क्लोथ्स के बारे में नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सही कौन से है। तो ए ऑप्शन है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एक्सेट्रा, तो ये सही है क्योंकि क्लोथ्स है वो हमें गर्मी से, ठंडी से और बारिश से बचाता है। देन बी ऑप्शन है वी नीड क्लोथ्स टू लिव, मीन्स हमें जिंदा रहने के लिए क्लोथ्स की जरूरत है, नहीं तो ये ऑप्शन है वो रॉन्ग है। देन सी वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, यस, तो ये सेंटेंस भी सही है कि हम अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लोथ पहनते हैं। तो इसमें क्लोथ्स के बारे में ट्रू सेंटेंस कौन सा हुआ, ए एन सी। सो आंसर आएगा डी, बोथ ए एन सी। देन गिव टू एग्जाम्पल्स, मीन्स नीचे जो दिया गया है उसके दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो उसमें फर्स्ट है, थिंग्स यूज टू मेक पक्का हाउस, पक्का हाउस बनाने में कौन कौन सी थिंग्स यूज होती है। सो आंसर विल बी दैट सीमेंट, ब्रिक्स, एंड ऑल्सो वी कैन राइट स्टोन्स एंड सैंड। देन सेकंड, थिंग्स यूज टू मेक कच्चा हाउस, कच्चा हाउस बनाने में कौन कौन सी थिंग्स यूज होती है। सो आंसर विल बी दैट मड एंड
straw, and also we can write stick, wood also. Then third, temporary houses. Temporary house में कौन कौन से house आते हैं? तो उसमें tent, caravan, houseboat, ये सारे temporary house है. Then fourth, permanent house. Permanent house में कौन कौन से house आते हैं? तो हमारे जो सारे house है वो सब permanent house है. So answer will be that bungalow and building. Then fifth, type of clothes we wear. Means हम जो क्लॉथ पहनते हैं उसके टाइप. तो उसमें आएगा cotton clothes and woolen clothes. Then next, short answer questions. इसमें first है, what does a house protect us from? Means house हमें किससे बचाता है? So answer will be that a house protect us from heat, cold, wind and rain. Means house हमें heat means गर्मी से बचाता है, cold means ठंडी से बचाता है, wind means हवा से बचाता है and rain means बारिश से बचाता है. Then second, what kind of houses do people make in places where it rains a lot? Means जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के लोग कैसे हाउस बनाते हैं, कैसे टाइप के हाउस बनाते हैं? So answer will be that people make stilt house in places where it rains a lot. Means people stilt house बनाते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ. So stilt means क्या होता है? Iron की long pole होती है, लॉन्ग स्टिक होती है, इसके ऊपर जो हाउस बनाते हैं इसको बोलेंगे स्टिल्ट हाउस. इसलिए लॉन्ग पोल के ऊपर हाउस होता है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हाउस होता है, तो वहाँ ज़्यादा पानी हाउस में नहीं आता है. इसलिए जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ लोग स्टिल्ट हाउस बनाते हैं. देन नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसमें फर्स्ट, व्हाई डू पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स मेक हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स? मीन्स जहाँ माउंटेन के ऊपर लोग रहते हैं वहाँ लोग स्लोपिंग रूफ क्यों रखते हैं? सो आंसर विल बी दैट पीपल लिविंग ऑन माउंटेन्स मेक हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ सो दैट स्नो कैन इजीली फॉल ऑफ फ्रॉम द रूफ्स. जहाँ लोग माउंटेन में रहते हैं वो स्लोपिंग रूफ के हाउस बनाते हैं क्योंकि वहाँ क्या होता है, स्नो ज़्यादा गिरता है तो इजीली है वो रूफ से नीचे गिर जाता है. इसलिए वहाँ के लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं. स्लोपिंग रूफ है वो दोनों तरफ से झुका हुआ होता है, इसलिए जैसे स्नो गिरता है वो सीधा ही नीचे जमीन के ऊपर गिर जाता है, इसलिए वहाँ के रूफ स्लोपिंग होता है. देन सेकंड, हाउ आर पक्का हाउसेस डिफरेंट फ्रॉम कच्चा हाउसेस? मीन्स कच्चा हाउस और पक्का हाउस दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें बताना है. सो आंसर विल बी दैट पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट व्हाइल कच्चा हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. तो यहाँ हमें पक्का हाउस और कच्चा हाउस का डिफरेंस बताना है. तो पक्का हाउस है वो किससे बना हुआ है? वो ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना हुआ है. और कच्चा हाउस है वो किससे बना हुआ है? मड एंड स्ट्रॉ से बना हुआ है. तो दोनों में ही डिफरेंस है कि पक्का हाउस अलग मटेरियल से बनता है और कच्चा हाउस भी अलग मटेरियल से बनता है. देन थर्ड, व्हाट इज अ टेम्पररी हाउस? गिव वन एग्जांपल. मीन्स टेम्पररी हाउस हम किसको बोलते हैं वो लिखना है और उसका एक एग्जांपल देना है. सो आंसर विल बी दैट अ हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड टेम्पररी हाउस. मीन्स ऐसा हाउस जिसको हम मूव कर सकते हैं, एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में उसको ले जा सकते हैं, ऐसे हाउस को हम बोलेंगे टेम्पररी हाउस. फॉर एग्जांपल टेंट, कारवेन, हाउस बोट, तीनों है वो टेम्पररी हाउस के एग्जांपल है. उसमें से आपको कोई भी एक लिख सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेट्स रिकॉल. सो लेट वी समराइज चैप्टर. तो उसमें फर्स्ट है हाउसेस, तो इसमें दो एरो है. तो उसमें फर्स्ट है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, मींस हाउस हमें किससे बचाता है. तो उसमें हमें लिखना है हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. और वहाँ एक एरो नीचे है क्लोथ्स, तो क्लोथ्स भी हमें प्रोटेक्ट करता है. वो किससे प्रोटेक्ट करता है? तो वो भी हमें हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन से प्रोटेक्ट करता है. देन इस साइड हाउसेस है, उसके
टाइप्स ऑफ रूप्स लिखने हैं और टाइप्स ऑफ हाउसेस लिखने हैं। तो रूप्स कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप के, उसमें है फ्लैट रूफ एंड स्लोपिंग रूफ। और टाइप्स ऑफ हाउसेस में है पक्का हाउस, कच्चा हाउस, कार वैन, इग्लू, टेंट, हाउस बोट, हम कोई भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व, यहाँ राइट साइड पे जो पिक्चर है उसे ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है नेम द हाउस शोन हियर, मीन्स यहाँ राइट साइड पे जो पिक्चर दिख रहा है हाउस का वो कौन सा हाउस है? तो वो है टेंट, तो हमें लिखना है टेंट। देन बी, इज इट अ टेम्पररी या परमानेंट हाउस? तो ये टेंट है वो कैसा हाउस है? आपको पता ही है, तो टेंट है वो टेम्पररी हाउस है, तो हमें लिखना है टेम्पररी। देन सेकंड, कलर द पिक्चर ऑफ हाउस इन लोकेश नेबरहुड गिवन बिलो, मीन्स यहाँ जो हाउस दिया गया है वो लोकेश नाम का एक लड़का है, उसके नेबरहुड में एक हाउस है, तो उसको हमें कलर करना है। एंड नेम एनी थ्री थिंग्स दैट कुड हैव बीन यूज टू बिल्ड दिस हाउस, मीन्स ये हाउस देख के आपको कैसा रहा है, पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है? तो ये हाउस है वो पक्का हाउस है, तो पक्का हाउस बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुआ है वो हमें लिखना है। तो ये पक्का हाउस है तो हम यहाँ लिखेंगे सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड ऑल्सो स्टोन। तो ये पक्का हाउस बनाने में ये थिंग्स का यूज हम कर सकते हैं। देन लेट्स कनेक्ट, अर्ली मैन डिड नॉट वेयर क्लोथ्स, मीन्स पहले के समय के जो लोग थे वो क्लोथ्स नहीं पहनते थे, हमारे जैसे जो क्लोथ होते हैं वो नहीं पहनते थे। मैंने ये चैप्टर में भी आपको बताया था, दे यूज्ड लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज, मीन्स वो उसकी बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते थे, लीव्स पत्ते का यूज करते थे और एनिमल की स्किन का यूज करते थे। They also did not make a house and lived inside caves. Means वो early men है वो house भी नहीं बनाते थे और कहाँ रहते थे, caves में रहते थे। So why do we need to live in a house? So हमें house में रहने की जरूरत क्यों है? क्योंकि because house protect us from heat, cold, wind, rain and also animals. Means house है वो हमें गर्मी, ठंड, हवा, बारिश और ऑल्सो वाइल्ड एनिमल्स से हमें बचाते हैं, इसलिए हमें हाउस में रहने की ज़रूरत है। और पहले के लोग हैं वो क्या करते थे, केव्स में रहते थे, तो उससे वो वाइल्ड एनिमल का थोड़ा डर भी रहता था क्योंकि उसके पास हाउस नहीं था। देन लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। राइट साइड पे दो पिक्चर दिया गया है, कच्चा हाउस है एंड पक्का हाउस है। तो पक्का हाउस है वो भी कैसा है, विथ स्लोपिंग रूफ है। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द टू विल बी अ स्ट्रोंगर हाउस, ए और बी? यहाँ जो दो हाउस है उसमें से स्ट्रोंग कौन सा है, ए है या बी है? तो स्ट्रोंग कौन सा है, बी, क्योंकि वो पक्का हाउस है इसलिए वो स्ट्रोंगर है। Then second, which of the two would be best for the mountains and why? Means ये दोनों हाउस में से माउंटेन के लिए कौन सा बेस्ट है एंड why, क्यों बेस्ट है? तो हाउस बी है वो बेस्ट है माउंटेन के लिए, बिकॉज इट हैज अ स्लोपिंग रूफ, क्योंकि उसको स्लोपिंग रूफ है इसलिए स्नो इजिली नीचे गिर जाता है, तो बी हाउस है वो माउंटेन के लिए बेस्ट है। Then worksheet 3, Mayank is not able to play in the park because he is weak and keep falling ill. Mayank है वो पार्क में प्ले करने के लिए नहीं जा सकता है क्योंकि वो वीक है, उसका बॉडी वीक पड़ गया है और वो बार बार बीमार रहता है। So he also has weak muscles and bones. इसको क्या होगा, उसके muscles और bones भी वीक हो गए होंगे। Circle the foods he should eat for each of the following need. तो उसको कौन कौन से फूड चाहिए वो हमें सर्कल करना है। तो फर्स्ट है टू गेट एनर्जी, तो उसको एनर्जी चाहिए तो उसको कैसे फूड लेने चाहिए, तो उसको लेने चाहिए राइस, सुगर एंड व्हीट, तो इसमें हमें सर्कल करना है। देन सेकंड, टू गेट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, उसके बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कैसे फूड लेने चाहिए, तो उसको लेना चाहिए एग, मिल्क एंड मीट, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है इसलिए हमें वो तीनों फूड में सर्कल करना है। देन टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीज, मीन्स रोगों से दूर रहना है,
तो उसके लिए कौन से फूड लेने चाहिए? तो उसको लेना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है बीमार होने से। तो रोगों से हमें कौन बचाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो उसमें हमें सर्कल करना है। सो स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज पार्ट यू हैव राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस। थैंक यू एवरीवन।